क्रिएट एन एक्सेस डाटाबेस एक्सेस डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं क्रिएटिंग के डाटाबेस ब्लैंक टेम्पलेट टेबल्स प्राइमरी की स्विचिंग व्यूज एंड रिलेशनशिप एंड ओपन ए प्री एग्जिस्टिंग डाटा इन एम एस एक्सेस ये आपके आगे के टॉपिक है देखते हैं इनमें से हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रिएटिंग ए क्रिएट ए फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्रिएट एंड एक्सेस डाटा बेस इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ये हमारे तरीका है डाटा बेस को एमएस एक्सेस में क्रिएट करने के दीज आर फॉलोइंग वेज टू क्रिएट अ डाटा बेस इन एमएस एक्सेस क्रिएटिंग अ ब्लैंक डाटा बेस क्रिएटिंग अ मतलब डाटा बेस यूजिंग अ टेम्पलेट एंड डाउनलोडिंग अ डाटाबेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन अब स्टूडेंट जो है डाटा बेस एक ब्लैंक डाटा बेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएटिंग अ डाटाबेसिंग अ टेम्पलेट का यूज करके डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हम एंड डाउनलोडिंग अ डाटाबेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रिएटिंग ए डाटाबेस क्रिएटिंग ए डाटाबेस, ब्लैंक टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट एंड टेबल इसका मतलब डाटा बेस को क्रिएट करना है और ब्लैंक टैंपलेट के द्वारा एंड टेबल मतलब हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं ब्लैंक डाटा एंड टेबल तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग ए डाटा बेस यूजिंग अ टेम्पलेट एक टेबल और आपका यूजिंग अ टैम्पलेट क्रिएटिंग अ डाटा बेस क्रिएटिंग अ डाटा बेस इसमें हम लोग इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ डाटा बेस यूजिंग टेम्पलेट टेम्पलेट का यूज करके कैसे हम लोग डाटा क्रिएट करते हैं तो अब ये जानेंगे कि टेम्पलेट है क्या मतलब टेम्पलेट जो होता है वो रेडी मतलब रेडीमेड होता है पहले से ही हमारा बना बनाया होता है बस उसको सेलेक्ट करना रहता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है टेबल क्यूरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ये सारे इंक्लूड रहते हैं जिनको बस क्या करना होता है खास कार्य को जो परफॉर्म करता है अब देखेंगे कि उसका आपको जो ये डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है टेम्पलेट का यूज करके उसके कुछ क्या है स्टूडेंट्स स्टेप है जिनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे डाटाबेस को क्रिएट करेंगे दीज आर तो स्टूडेंट ये हमारा स्टेप है जिसका यूज करके हम लोग डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन टेम्पलेट के द्वारा तो फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि क्लिक ऑन द लोकल टेम्पलेट फ्रॉम डाटा बेस फ्रॉम टेम्पलेट कैटेगरी लोकेटेड ऑन द लेफ्ट पेन हम लोग क्या करेंगे लोकल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे किसमें टेम्पलेट कैटेगरीज में जो कि हमारा लोग कहाँ पे स्थित रहेगा लेफ्ट पेन के तरफ अब सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटाबेस फ्रॉम द मिडिल पेन अब जैसे हम लोग जब लोकल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ डाटा बेस आएंगे जैसे हो जाएगा मार्केटिंग प्रोजेक्ट ऐसे बहुत सारे कुछ आपके प्रो आप दिखाई देंगे फैकल्टी इस तरह से आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है उस तरह से उसमें से आप कोई भी एक डाटा बेस सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको मिडिल पेन में मिलेगा और उसे सेलेक्ट करने के बाद हम उस साइन अ नेम ऑफ द डाटाबेस हम लोग डाटा बेस के नेम को निर्धारित करेंगे हम अपना डाटाबेस का नेम क्या, क्या रखना चाहते हैं वो हम लिखेंगे फाइल नेम बॉक्स में हम लोग उसको नेम टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन द क्रिएट बटन और उसके जस्ट फाइल जो फाइल नेम बॉक्स रहता है उसके जस्ट नीचे में आपको मिलेगा ये आपको क्रिएट बटन और क्रिएट बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा डाटाबेस टैंपलेट का यूज करके डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डाटा बेस तो क्रिएट करना है लेकिन ब्लैंक बेस क्रिएटिंग ब्लैंक डाटा बेस ये जो आपका डाटा बेस था इससे पहले अभी जो ये आप लोगों ने देखा वो टेम्पलेट का यूज करके था लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे डाटा बेस वो ब्लैंक डाटाबेस कैसे मतलब क्रिएट करते हैं हाँ तो स्टूडेंट ये आपके थ्री स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप अपने डाटा बेस ब्लैंक डाटा बेस क्रिएट कर सकते हैं इससे पहले जो आपने ये डाटा बेस क्रिएट किया था वो टैंपलेट का यूज करके क्रिएट किया था यूजिंग अ टैम्पलेट जैसे हम एक्सेस ओपन करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन देता है तो यूजिंग अ टैम्पलेट का यूज़ करके किए थे और ये जो ब्लैंक डाटा वो ये जो हमारा वो ब्लैंक डाटा बेस है इसको इस क्रिएट करने के लिए देखिए क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है क्लिक ऑन ब्लैंक डाटा बेस फ्रॉम द गेटिंग स्टार्टेड विध माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पेज ओपन करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पेज जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करने के बाद जो पेज दिखाई देता है तो उसके उसी में आपको वहां पे दिखाई देगा ब्लैंक डाटाबेस तो ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे उसको क्लिक करने के बाद से आपको राइट right साइड में राइट right पैन में आपको वहां ब्लैंक बेस करके दिखाएगा और उसके नीचे रहेगा फाइल नेम बॉक्स और उस फाइल नेम बॉक्स में आपको जो टाइप करना अपने इच्छा अनुसार जिस रिलेटेड आपका जो टेबल जो बेस क्रिएट कर रहे हैं जिस पर्पज के लिए उससे रिलेटेड आप कोई भी डिजायर्ड नेम क्या करेंगे टाइप करेंगे और उसी जस्ट फाइल नेम के बॉक्स के नीचे आपको आपको क्रिएट का बटन होगा और उस क्रिएट बटन पे क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा डाटाबेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स अब जो हम लोग नेक्स्ट है वो क्या करेंगे टेबल क्रिएट करेंगे क्या क्रिएट करेंगे टेबल क्रिएटिंग अ टेबल देखिए दो तरीका होता है टेबल क्रिएट क्या करेंगे हम लोगों को अब टेबल क्रिएट करना डाटा बेस क्रिएट हो जाने के बाद से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे क्रिएटिंग अ टेबल स्टूडेंट्स दो मेन तरीके होते हैं टू मेन टाइप्स होते हैं जिनके द्वारा हम टेबल को क्रिएट करते हैं एक आपका होता है यूजिंग डाटा सीट व्यू और दूसरा होता है आपका यूजिंग डिजाइन व्यू तो सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे डाटा सीट व्यू के द्वारा तो स्टूडेंट ये है आपका क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डाटा सिट व्यू डाटा सिट व्यू के द्वारा हम लोग का यूज करके कैसे टेबल क्रिएट करते हैं देखिए फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग डाटा सिट व्यू क्लिक ऑन फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन हम लोग रिबन uh, एक आपका क्रिएट टैब होगा आप देखते हैं रिबन पे आपके बहुत सारे टैब होते हैं जिसमें से आपको क्रिएट टैब पे क्या करना है क्लिक करना है और उसके बाद से उसके अंदर आपको मिलेगा टे उसके बाद आपको क्लिक टेबल टेबल पे क्लिक क्लिक करना है जो कि आपको टेबल्स ग्रुप में मिलेगा फ्रॉम टेबल ग्रुप्स अब जैसे टेबल ग्रुप में टेबल जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एम एस एक्सेस जो होगा वो टेबल को क्रिएट कर देगा अब उस टेबल क्रिएट होने के बाद से आपका क्या होगा कि उसमें आपको सेलेक्ट करना है कॉल्यूम और उसमें नए फील्ड आपको ऐड करने हैं और टैब का यूज करके और आप एक्स्ट्रा आपको क्या कर सकते हैं नया फील्ड ऐड कर सकते हैं और जो भी आपको डाटा उसमें एंटर करना डाटा एंटर करने के बाद फिर से आप उसे सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है डाटा सिट व्यू का यूज़ करके डाटा सिट व्यू का यूज़ करके उसके बाद से हम लोग डिज़ाइन व्यू का यूज करके टेबल क्रिएट करेंगे लेकिन डिज़ाइन व्यू का यूज़ करके टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे कि टेबल जो हमने क्रिएट किया उसे देखेंगे कैसे और टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है तो टू व्यू अ टेबल सिंपली डबल क्लिक ऑन द टेबल फ्रॉम द लेफ्ट पेन लेफ्ट पेन जो हमारा होगा उसमें उधर हम लोग क्या करेंगे सिंपली डबल क्लिक करना है टेबल पे जो कि हमारा लेफ्ट पेन में दिखाई देता है उसके बाद क्या होगा कि टेबल ओपन इन द राइट पेन जैसे ही हम लोग लेफ्ट पेन में जो हमारा टेबल होगा उसपे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल हो जो ओपन हो जाएगा की राइट पेन में आपका टेबल ओपन हो जाएगा अब देखेंगे टेबल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी बनावट ए टेबल स्ट्रक्चर इज एन इंडिकेशन फॉर द काइंड ऑफ टेबल ये बताता है आपके टेबल के प्रकार को बताता है टेबल स्ट्रक्चर कि किस प्रकार का आपका टेबल है दैट इज टू बी क्रिएटेड जो आपने क्रिएट किया है उसके प्रकार को बताता है द नेम साइज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स इसमें क्या होता है आपका टेबल का नेम टेबल का साइज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड जो उसमें हम लोग फील्ड आर डिस्क्राइब बाई यर टेबल टेबल के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं टेबल स्ट्रक्चर के द्वारा टेबल स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टेबल जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के डाटा को स्टोर करके रखता है जो हमारा डाटा टाइप कहलाता है अब देखेंगे हमारे कौन कौन से डाटा टाइप है फील्ड करेंसी फील्ड डेट एंड टाइम फील्ड मेमो फील्ड एंड लॉजिकल फील्ड देखिए टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट से ही पता चल रहा है कि आपका इट कंटेंट लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स ये टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारा कौन क्या-क्या कंटेंट रखता है लेटर को भी नंबर्स को भी और सिंबल को भी द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड में कंटेन ए कॉम्बिनेशन अप टू 255 कैरेक्टर आपका जो टेक्स्ट फील्ड का लेंथ होना चाहिए वो आपके 255 कैरेक्टर तक का होना चाहिए अब है न्यूमेरिक फील्ड न्यूमेरिक फील्ड से ही पता चला सिर्फ ये नंबर को करेगा इट कॉन्टेंट ओनली नंबर न्यूमेरिक फील्ड जो होता है वो सिर्फ नंबर को क्या कॉन्टेन रखता है इसमें ना आपका लेटर्स कॉन्टेन हो सकता है और ना ही सिंबल अब है आपका करेंसी फील्ड इट कंटेन सिंबल्स फॉर वेरियस करेंसीज मतलब जो ये ये करता है ये ये कंटेन करता है अलग अलग बहुत प्रकार की जो करेंसिया करेंसीज होती हैं, उनके सिंबल को ये कॉन्टेन करता है डेसिमल और एंड कॉमास को। डेट एंड टाइम फील्ड इट कॉन्टेन्स एंड टाइम ये डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को, को ये कॉन्टेन करता है कैलकुलेशन आर अलाउड इन दिस फील्ड आप डेट एंड टाइम फील्ड में कैलकुलेशन कर सकते हैं अब है आपका मेमो फील्ड इट कॉन्टेंस लॉन्ग टेक्स्ट विथ मल्टीपल काइंड ऑफ डाटा जो आपका मेमो फील्ड होता है वो लॉन्ग टेक्स्ट को रखता है इसमें आप लॉन्ग टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं मेमो फील्ड में जिसमें बहुत प्रकार मल्टीपल काइंड ऑफ डाटा लॉन्ग टेक्स्ट तो रहेगा ही साथ में मतलब बहुत प्रकार के डाटा भी रखता है जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाय आई एम फोजिया फ्रॉम दिल्ली आई अराइव एट थर्टी ए एम बाई ट्रेन ईटीसी इसमें आपका लॉन्ग टेक्स्ट तो है ही साथ साथ आपका नंबर भी है सिम्बल भी है टेक्स्ट भी है कॉमा भी है। ये सारी चीजें हैं इसमें बहुत सारे प्रकार के डाटा है इसमें आपके और साथ ही साथ ये लॉन्ग टेक्स्ट भी है लॉजिकल फिट इट कॉन्टेंस कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट जैसे हम कोई भी चीज को यस और नो और ट्रू एंड फॉल्स में जो हमको रिप्रेजेंट करना रहता है उस तरह के कैरेक्टर को ये क्या करता है हमारा लॉजिकल फील्ड कंटेन करता है स्टूडेंट्स डिजाइन टेबल जो हम लोग क्रिएट करेंगे डिजाइन व्यू के द्वारा डिजाइन व्यू में जो टेबल क्रिएट करेंगे उससे पहले हमारे डाटा टाइप को जानना बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसे भी स्टेप्स मिलेंगे जिसमें आपको डाटा टाइप के बारे में बताया जाएगा तो आप सोचेंगे डाटा टाइप होता क्या इसलिए आपको डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बता दी हूं अब हम लोग जानेंगे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू के द्वारा इससे पहले हम लोगों ने देखा टेबल को क्रिएट करते हैं डाटा सीट के द्वारा अब देखेंगे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू के द्वारा तो उसकी आपको स्टेप है जो मैं आपको अब लिखाऊं कि टेबल का कैसे क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू के द्वारा तो स्टूडेंट देखेंगे ये आपके स्टेप हैं पहला तो आपने देखा यूजिंग डाटा सीट व्यू जो आपने स्टेप देख लिया उसके बाद से आपने टेबल को व्यू देखते कैसे है टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है और डाटा टाइप क्या होता है उस चीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा अब आप देखेंगे यूजिंग डिजाइन व्यू डिजाइन व्यू के द्वारा आप टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं फर्स्ट स्टेप आपका क्या है क्लिक ऑन द क्रिएट टैब ऑन द रिबन जो इसका स्टेप और इसका दोनों का फर्स्ट स्टेप आपका क्या है एकदम सेम 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 टू है आपको सेकेंड स्टेप भी कुछ आपके सिमिलर है इसमें आपको क्या था क्लिक 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 ऑन टेबल फ्रॉम टेबल्स ग्रुप इसमें क्लिक ऑन द टेबल डिजाइन इसमें टेबल डिजाइन पे आपको क्लिक करना है फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप ग्रुप वही है आपका टेबल्स ग्रुप ही है और लेकिन टेबल डिजाइन पे आपको क्लिक करना है न्यू टेबल्स डिजाइन व्यू इज ओपन टू क्रिएट अ टेबल स्ट्रक्चर जैसे ही हम आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो न्यू टेबल्स डिजाइन व्यू जो होगा आपका ओपन हो जाएगा टू क्रिएट अ टेबल स्ट्रक्चर टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जैसे टेबल स्ट्रक्चर में अभी अभी आपको बताई हूँ कि उसमें आपको डाटा टाइप आते हैं उसके प्रकार वगैरह कि किस प्रकार का आप डाटा रख रहे हैं अब रहा, क्या रहा थर्ड स्टेप में टाइप द नेम ऑफ ए फील्ड आप फील्ड के नेम को टाइप करेंगे इन द फील्ड नेम कॉलम फील्ड नेम कॉलम जो होगा उसमें फील्ड की नेम को टाइप करेंगे एंड प्रेस द टाइप की टाइप की को प्रेस करते हो तो हम नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं टू मूव द डाटा टाइप कॉलम नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो हमारा होगा डाटा टाइप का कॉलम इसके पहले मैं आपको बताई हूं डाटा टाइप तो इसके पहले आप जब हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो डाटा टाइप का कॉलम आएगा उसमें से चूज अ डाटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट वहां पे आपको एक डाटा टाइप कॉलम में जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन इस तरह का आपको ड्रॉप डाउन एक दिखाई देगा मीनू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिस्ट आएगा आपका डाटा टाइप का जो डाटा टाइप आपको बताया गया टेक्स्ट फील्ड आपको बताया गया है न्यूमेरिक लॉजिकल मेमो और ये डेट एंड टाइम ये करेंसी ये सारे जो बताए गए हैं उसमें से जिस तरह का आपको आप डाटा टाइप लेना वो हम क्या करेंगे चूज ए डाटा टाइप चूज करेंगे डाटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट जो लिस्ट होगा उसमें से एंड प्रेस द टैब की टू मूव डिस्क्रिप्शन कॉलम उसके बाद से आपको जैसे ही टैब प्रेस करेंगे टैब की अपने कीबोर्ड से तो आपको नेक्स्ट कॉल्यूम में जाएगा और नेक्स्ट जो कॉल्यूम होगा वो हमारा डिस्क्रिप्शन का कॉल्यूम होगा जबकि आप स्टूडेंट बता दो कि डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है आप चाहे तो उसमें टाइप कर सकते हैं चाहे तो टाइप नहीं कर सकते आप अपने जो भी फील्ड होगा जो भी डाटा होगा उसके इससे रिलेटेड कुछ उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में टाइप करते हैं जो कि ये ऑप्शनल है आप इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं अब क्लिक ऑन द सेव बटन अब उसके जब ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि सेव बटन पे क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा और नो उस क्या कर देंगे नए नेम टाइप करेंगे और क्लिक ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही आपको आप लोगों ने जाना कि कैसे क्रिएट एंड डाटा बेस एंड क्रिएटिंग ए डाटा बेस ब्लैंक टेम्पलेट एंड टेबल्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी का टॉपिक पढ़ेंगे जैसे आपका प्राइमरी की स्विचिंग एस व्यूज रिलेशनशिप ओपन अप प्री एग्जिस्टिंग डाटा बेस इन एमएस सेक्शन आशा करती हूँ आज के वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा अगर फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं थैंक यू